बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टेस्ट योर सेल्फ पेज नंबर 11 और चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का आज सेकंड टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट योर सेल्फ का सेशन हम आज इसमें अच्छे से सॉल्व करेंगे। बुक्स के अंदर आमतौर पर हर चैप्टर में 3 से 4 टेस्ट योर सेल्फ के पोर्शन दिए गए हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं रिलेटेड होते हैं हमारी प्रीवियस स्टडी के, जो हमने टॉपिक 1 किया है लास्ट वीडियो में, ये उसी से रेलेवेंस हैं। हमारे सामने 5 क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट इन शॉर्ट हमने इनका आंसर देना होता है। और हम रीड कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन 1 है, जरा व्हाई मस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस, के प्लांट्स को रिप्रोड्यूस होना क्यों जरूरी है। अभी देखें, कॉमनली आपने अपने इस आंसर को प्रेजेंट करने से पहले कुछ विजुअलाइज करना है कि जो लिविंग थिंग्स होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि प्लांट मस्ट रिप्रोड्यूस टू इंश्योर, पहली चीज जो हमने करनी है वो है सर्वाइवल, टू इंश्योर द सर्वाइवल। और दूसरी बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो कंटिन्यूएशन है किसी प्रोसेस के जारी रहने को, एक जो जो स्पेशीज है वो नेक्स्ट के लिए अपनी इस जनरेशन को ग्रो करने के लिए ये प्रोसेस जरूरी है। हम इसे आंसराइज यूं भी कर सकते हैं, प्लांट प्रोडक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इन द इकोसिस्टम ऑफ ऑन द अर्थ, ये भी हमारा हो सकता है। हम इसे अडॉप्टेशन एंड फॉर बैलेंस ऑफ द इकोसिस्टम ये भी कह सकते हैं। और थोड़ा सा मजीद इसे इंगेजिंग करने के लिए और थोड़ा सा अपनी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि ये मेन पॉइंट हैं इसके जिसमें सर्वाइवल जरूरी है। जैसे हमने यहाँ पे सर्वाइवल को पॉइंट आउट किया है, इसमें कंटिन्यूएशन जरूरी है इस प्रोसेस के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ से मिल रही होती है, अडॉप्टेशन का प्रोसेस है, फूड स्क्रेसिटी यानी हमें जो खुराक की कमी के मसाइल हैं उनका सलूशन यहाँ से हो रहा होता है, इकोसिस्टम के अंदर बैलेंस जो है वो जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइफ सर्कल है। हम यहाँ पे इन पॉइंट्स में से किसी 2 को किसी 3 को एज पर हम अपनी सिचुएशन के एक्सप्लेन कर सकते हैं। होपफुली क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। बेसिकली ये जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है इसमें मेल और फीमेल गेमेट्स का फ्यूजन यानी उनमें मिलाप जरूरी है जब हम प्लांट्स की रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, व्हाट इज द फ्यूजन ऑफ दीज गेमेट्स कॉल्ड, कि इन गेमेट्स को, इस फ्यूजन ऑफ गेमेट्स को क्या कहा जाता है। देखें, यहाँ पे हम कहेंगे कि इनको हम फर्टिलाइजेशन कहेंगे, द फ्यूजन मेल एंड फीमेल गेमेट्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ये इसकी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलें, तो हाउ डज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कोई हमने डिफरेंसेस रखने। देखें, इस साइड की इंडिकेशन में हमने एसेक्सुअल को रखा है और इधर हमने सेक्सुअल को रखा है। आपने भी कोशिश करना है जब किसी चीज का डिफर आ जाए तो उसे थोड़ा विजुअलाइज इस तरीके से करके सामने प्रेजेंट करें कि रीड करने में थोड़ी आसानी हो जाए। अभी यहाँ पे नो गेमेट्स इन्वॉल्व और यहाँ पे गेमेट्स इन्वॉल्व, सेक्सुअल में गेमेट्स मेल और फीमेल इन्वॉल्व हैं, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे एसेक्सुअल में नहीं इन्वॉल्व है। एक तो हमारा डिफरेंस ये हो गया है। दूसरा, सिंगल पेरेंट कैन बी कॉज बाय द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यहाँ पे टू पेरेंट्स तो हम नहीं कह सकते, पेयर ऑफ पेरेंट हम कह सकते हैं, जेनेटिक आइडेंटिकली एक जैसे होते हैं। यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, नो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस एसेक्सुअल में होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का होता है।
इसी तरह से हमने इनकी कुछ एग्जाम्पल्स भी रखी हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्लांट्स हैं, यीस्ट है, कुछ यीस्ट और प्लांट्स में भी हम देखने को मिलता है, एनिमल्स है, ह्यूमंस है, यहाँ पे ये हमारे सामने है। होपफुली क्वेश्चन थ्री हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है, व्हाट इज अ क्लोन। लास्ट वीडियो में भी हमने एक्सप्लेन किया था, क्लोन इज अ ऑर्गेनिज्म दैट जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल बैलेंस प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीनिंग अ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट। यहाँ पे मैंने तीन से चार चीजों को इकट्ठा मर्ज करने की कोशिश की है। आप इनमें से कोई से एक या दो पॉइंट्स को भी अगर आइडेंटिफाई कर देते हैं आपका क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, क्लोन इज क्रिएटेड विद द पार्ट ऑफ प्लांट, ये उसी पार्ट प्लांट का पार्ट होता है। यहाँ भी हम ये भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन है, अगर आप उसे इन शॉर्ट भी करना चाहें तो आप ऊपर की एक लाइन में से भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। स्टेम से, लीव से, रूफ से, कहीं रूट से, कहीं से भी हम कर सकते हैं। इसकी टाइप्स हमने यहाँ पे दी हैं कि किस तरह से हम इसे टाइप क्लोनिंग करें। क्वेश्चन नंबर फाइव है, स्टूडेंट्स टेस्ट योरसेल्फ का पेज नंबर 11 पे, गिव वन एडवांटेज ऑफ एंड वन डिसएडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, यानी एक फायदा एक नुकसान दोनों में से। अभी देखें, हम पहले फायदे की बात कर लेते हैं। डिजीज आर लेस लाइकली टू अफेक्ट ऑल द इंडिविजुअल्स एट द सेम टाइम, कि बीमारियां एक ही टाइम के अंदर बहुत ही कम स्टेज पे जाके इंडिविजुअल्स को मुतासर करती हैं। और यहाँ पे है सिंगल इंडिविजुअल इज एबल टू रिप्रोड्यूस, ये इसका बेनिफिट। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, प्रोसेस बड़ा तेज होता है यहाँ पे। और दूसरी बात यह है कि नीड अ मेल और फीमेल यहाँ पे होता है, यहाँ पे सिंगल की जरूरत होती है, और इसे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है इसे भी हम साथ साथ एक्सप्लेन कर लेते हैं, जिसमें हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स के हवाले से है। हमें इसकी एक तो डायग्राम बनानी आनी होनी चाहिए है, लेबलिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए है, देन हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये जो हमारे सामने दिया हुआ है ना पार्ट्स, किसी फ्लावर के पार्ट्स और उनका फंक्शन, ये हमें बहुत अच्छे से करना है। दो से तीन नेक्स्ट पेज 12 नंबर पे हैं, अच्छे से तैयार करने हैं। बाकी स्टैमन का, पोलन ग्रेन्स का, ओवरी का, कार्पेल का, पोलिनेशन का, ये प्रोसेस सारी डेफिनेशंस ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो गई है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो बना लेते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देखें सीड की जरूरत होती है, जेनेटिक डाइवर्सिटी की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, डियर्स व्हाट आर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। देखें मेल एंथर्स जो है मेल होते हैं, और ओवरी के अंदर जो एग होते हैं सेल एग, देखिए यहाँ पे ये जो मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ ये एक फीमेल है और ये इसके मेल पार्ट्स हैं। तो क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन भी होता है, क्रॉस पोलिनेशन भी होता है, कंसेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, व्हाट इज अ पोलिन, भाई एक प्रोसेस है किसमें, जिसमें पोलन जो यहाँ से देखें ये जो एंथर है, यहाँ से जो पोलन हैं वो स्टैमन में, स्टैमन इसका पूरा जो हिस्सा है ये स्टेमन कहलाता है ना, ये देखो ये हिस्सा, ये अच्छा स्टेमन के वाया जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आई थिंक थ्री है, व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। देखें फ्यूजन होता है पोलन्स का और ओवरी के अंदर एग्स का, ये फर्टिलाइजेशन हो गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट, भाई रिजल्ट होता है जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, सीड की फॉर्मेशन होती है, फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, प्लांट की नेक्स्ट जनरेशन के लिए फॉर्मेशन होती है। आई थिंक इनफ है ये। एक क्वेश्चन और हम करते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द फ्लावर इन द प्लांट रिप्रोडक्शन, कि भाई फ्लावर का रिप्रोडक्शन के अंदर क्या रोल है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम, कि इसके बगैर आप यूं समझ लें कि मोस्ट ऑफ द प्लांट्स रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। ये अट्रैक्ट करते हैं पोलिनेटर्स को, प्रोटेक्ट करते हैं, देखें यहाँ पे प्रोटेक्शन भी है, अट्रैक्शन भी है और प्रोसेस भी है। तो इट मींस के वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द सेल्फ पोलिनेशन, भाई इस एक फ्लावर का, मैं इसी की एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एक ही फ्लावर का, इसी जो इसके एंथर्स हैं इनका, इसी फीमेल के स्टैमन में जर्मिनेशन कर लेना, जर्मिनेट हो जाना, इसे हम कहेंगे सेल्फ पोलिनेशन।
और एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स के क्या होते हैं, डाइवर्सिटी होती है, एडॉप्टेशन होती है, चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है, सर्वाइवल।